नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया। आज मैं आपको कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलों के बारे में बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है, कांग्रेस तो पहले से ही मुश्किल में है। तो आपको बता दें कि अब कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 1984 के दंगों की आँच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँच गई है। सोमवार को सिख विरोधी दंगों से जुड़े गवाह मुख्तियार सिंह ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। उनका बयान एसआईटी ने दर्ज किया है। ये पहली बार था जब 3 सदस्यीय एसआईटी टीम ने मुख्तियार सिंह के बयान को दर्ज किया है। मुख्तियार सिंह दक्षिण दिल्ली के खान मार्केट में बने एसआईटी कार्यालय पहुंचे, जहां जांच अधिकारियों को उन्होंने दंगों से जुड़ी घटना के बारे में जानकारी दी। जब मुख्तियार सिंह कार्यालय से बाहर आए तो उन्होंने किसी को इस विषय में कुछ नहीं बताया कि उन्होंने एसआईटी के सामने क्या बोला। आपको बता दें कि इस एसआईटी में एक आईपीएस अधिकारी, एक पुलिस उपायुक्त और एक रिटायर्ड जज हैं, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। ये मामला 1 नवंबर 1984 का है, जब सिख दंगों के दौरान रकाबगंज गुरुद्वारा में भीड़ ने सिखों की हत्या कर दी थी। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या 21 अक्टूबर 1984 को हुई थी। उनकी हत्या के बाद सिख दंगे पूरे देश में भड़क गए थे और इन दंगों में कमलनाथ का नाम कथित रूप से सामने आया था। उनके नाम आने के बाद अब इस मामले की नई जांच शुरू कर दी गई है। मोदी सरकार ने इस मामले की फिर से फाइलें खोल दी हैं। कमलनाथ शुरू से ही इस मामले में आरोपी थे, लेकिन अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो बच गए। लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब लंदन के पत्रकार संजय सूरी ने भी इस मामले में एक खुलासा करने की इच्छा जताई है। संजय सूरी ने 15 सितंबर को एसआईटी को एक पत्र लिखकर एसआईटी से समय और तारीख बताने को कहा, ताकि संजय सूरी 1984 के दंगों से जुड़े खुलासे कर सकें। मोदी सरकार ने 1984 के दंगों की जांच के लिए 2015 में एसआईटी का गठन किया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहरा दिया था और उसके बाद कमलनाथ की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती गई। गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले 72 साल के कांग्रेसी नेता कमलनाथ अब परेशान हैं। 1984 के दंगों में कांग्रेस नेता एचकेएल भगत और जगदीश टाइटलर के साथ कमलनाथ का भी नाम सामने आया था। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, जांच हो रही है। अगर कमलनाथ के खिलाफ सबूत मिल गए तो समझो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी खतरे में आ जाएगी। इस मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।